हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयद्वासी। देखिए आज पूर्णिमा है, कल रात को 9 बज कहते हैं ना, 8:45 से पूर्णिमा शुरू हुई थी। हालांकि कल रात की पूर्णिमा की पूजा मैंने खुद ही कहा था कि मैं स्पेशली करूँगी, नमक का काम सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। बाकी तो जो मेरी टीम लगी हुई है, स्नेहलता हाजिदा सुनीता, हाजिदा ने भी नादे अली कर ही दिया है, क्योंकि हम लोग हर अमावस्या पूर्णिमा को नादे अली का 1.25 लाख का वो देते हैं। प्लस सुनीता ने भी कल जो मंत्र मैं आप सबको बोली ना, दुश्मनों को बीमार करने का मंत्र होता है, जो मतलब आदमी को कहते हैं ना, मैंने बताया था कि वो एक ऐसा मंत्र है जो आदमी का ज़र्रा ज़र्रा ख़त्म कर देता है। पहले उसकी इज्जत ख़त्म करती है, मतलब उसकी पूरी पोल खोलती है, उसके बाद उसको बीमार करते, फिर उसको कहीं का नहीं होते। वो मंत्र का जो सुनीता ने अभी तक चालू रखा है वो शाम तक करेगी। प्लस अभी आज पूर्णिमा है, मैं अभी आज जाऊंगी स्वामी समर्थ के मठ, अपना पैर पढ़ के आऊंगी, हो सकेगा तो एक माता जी के मंदिर भी चली जाऊंगी और अपनी पूरी पूजा पूरी करके आऊँगी। बाकी पूरी पूजा पूरी हो चुकी, थोड़ी सी बाकी, वो शाम तक पूरी होगी। 10% जो पूजा बाकी थी वो तो रात को मैं कर चुकी, 90% तो वो दोपहर को ही करके आ गई थी। नमक का काम भी बखूबी हुआ है, जो लोगों ने दुश्मनों के लिए मुझे काम दिया था वो भी बखूबी किया है। शक्तियों का काम भी बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने कहा है ना, इस पूर्णिमा को जो शक्ति ले रहा है उसको अगले पूर्णिमा होली तक साक्षात शक्तियों के दर्शन मिलने वाले। और जिस कल मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इन राशियों पे ये पूर्णिमा भारी है, ये महीना भारी है, मतलब यहाँ कैसा मालूम है, सच बोलना ही गलत है। हम सच बोल के आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें आने वाली, इससे बचो तो आप लोगों को बुरी लगती, जो है सो है। मैंने पिछले साल भी कहा था, वही हुआ था। देखिए मैं ना, मुझे बहुत सारे लोग बोलते ज्योतिष शास्त्र सिखाओ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, जो भी सीखा है अपने तरीके से सीखा है, जिसने मुझे सिखाया तो उन्होंने इतना नॉलेज, जिन्होंने ये चीज़ें मुझे सिखाई है ना, वो इस चीज़ में PhD किए हुए हैं। वो हमें बराबर सिखाते हैं कि इस राशि में अगर ये अक्षर आते हैं, ये अक्षर के ऊपर कैसा, कौन सा राहु कौन सा केतु चल रहा है, सब मुझे बखूबी सिखाते हैं। उन्होंने सिखाया है बहुत पहले, आज वो मुझे हमेशा एक ही डायलॉग मारते हैं कि गुरु गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के अट गया। ऐसे हैं हमारे गुरु। तो कामाख्या के पंडित हूँ मैं, झूठ तो बोलूँगी नहीं कभी, आपके भले की बात करूँगी। और आज तक हमने जिसके लिए जो भी कहा है वो सच ही हुआ है, भले कोई माने नहीं माने। अभी एक और बात, मैंने आज अभी देखिए मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ नरसिंह माता को आप लोग सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, लेकिन सबके लिए एक ही मेरे शंकर भाई का मैसेज है, मेरे लिए या मेरे केशव के पापा के लिए या मेरे प्रेरणा प्रांजल हनी और मेरे आने वाले बच्चे के लिए, अगर किसी ने भी सिगरेट अगरबत्ती लगाने की कोशिश की या मुझे वश में कोशिश की या झगड़ा लगाने की कोशिश की, तो वो चीज़ें आप पर उल्टी हो जाएंगी, ये बात पक्की रख रहा। क्योंकि मुझे, मेरे केशव के पापा को, मेरे बच्चों को, सबको मेरी बाँ देख रही है। मेरी बाँ ने एक ही बात कहा है, मैंने क्योंकि कल ऐसा कुछ हुआ था, कल सुबह ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से बाँ को ही सिगरेट अगरबत्ती लगा के गाड़ी रोक दी गई थी। चमत्कार होते हैं बॉडी वाले शख्स में, अगर आप गर्दी में भी रहोगे ना और आप बोलोगे नहीं गर्दी हट जाए रास्ता मिल जाए, तो चमत्कार होते हैं। लेकिन वो चमत्कार हमारे ऊपर गुरु पे कभी यूज़ नहीं किया जाता। अभी मेरी बाँ है, मैंने कभी अपनी बाँ पे ये चमत्कार यूज़ नहीं किया है। मैं अपनी बाँ के लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाऊँ क्या कि मेरी बाँ मेरी बात सुने? बिल्कुल नहीं। उल्टा हम ये लगाते कि मेरी बाँ की तबीयत ठीक हो जाए, ये किए। लेकिन अगर हम गुरु से ही खेल खेलेंगे तो ये चीज़ वहीं पर शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। ये जितने लोगों ने भी कोशिश की उनकी शक्तियाँ वहीं नष्ट हो चुकी है कल की कल। क्योंकि मेरी आज शंकर भाई से बात हुई है, शंकर भाई यही बोले कि ये पागल लोग भूल जाते हैं कि दीदी आपको, आपके बच्चे को, आपके धनी को, वो धनी बोलते हैं केशव के पापा को, आपके धनी को मैं देख रहा हूँ, बाबा जी देख रहे हैं, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। कोई माई का लाल उनको अगर हाथ लगा के दिखा दिया ना तुम सब लोगों को, उस दिन हम बात बदली कर देंगे। यहाँ समाधि पे ना बाबा जी बैठे, ये ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, शक्तिपीठ बहुत बड़ी है। ना कोई पुलिस, ना कोई वकील, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, ना कोई दुश्मन, ना कोई जिन, ना जिन्नात, ना भूत, ना प्रेत। यहाँ तक कि कितना भी गंदा किया करे, अगर किसी ने तुम 5-6 जनों को खिलाने पिलाने की भी कोशिश की ना, सबकी सब वहाँ ख़त्म हो जाएगी। और ये होगा कि उल्टा असर हो जाएगा, मतलब अगर तुम लोगों में से किसी को किसी ने वश में भी करने को देखा ना 6 जनों में, ये होगा कि आप सामने वालों से दुश्मनी कर लोगे, मतलब आपका सामने वालों से नफरत हो जाएगा। ऐसा है तो गुरु से नहीं करना चाहिए ऐसा हरकत, ये गलत बात है। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपको अपना भला चाहते हो तो अपने भले के लिए लगाओ कि आपका कहीं पैसा अटका है, कहीं कुछ काम अटका है, आप उसके लिए लगाओ ना सिगरेट अगरबत्ती। अगर आपके बच्चा बीमार है वो तुरंत आपको असर करेगा। लेकिन अगर आप विद्या देवी या विद्या देवी के बच्चे या विद्या देवी के पति की तरफ आँख उठा के देखोगे तो ये बात समझ लेना कि फिर ये मैसेज डायरेक्ट बाँ तक जाता है।
आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बात ऐसी है ना कि अगर मैं यहाँ कुछ सोच रही है, कोई भी कुछ सोच रहा है, उनको वहाँ पहले पता चलता है। आज का नहीं, 7 पीढ़ियों का है, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ये बात पक्की है। ये जो मेरे पेट में केशव आया है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत पहले अपने केशव के पापा के साथ एक बार जब समाधि पे गई थी ना, तो जब 9 फेरे ले रही थी ना, तो तभी मैंने मन में माना था कि मुझे ना, मैं शुरू में तो बहुत पहले से, बहुत सालों से चाहती थी कि मुझे एक बच्चा हो, लेकिन समाधि पे जब गई थी तब मेरे मन में था कि मेरे पेट में केशव के पापा का, मतलब मेरा केशव आए, मेरे प्यार की निशानी आए। यही बात मैंने श्रीनाथ जी में भी बोली थी, वहाँ पर नारियल चढ़ाने का मन्नत मांगा था, और मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे और ये बात होगी। तो वो समाधि है, वहाँ पे कहा हुआ कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ कभी गलत नहीं होती, और ये तो उनकी दिया हुआ आशीर्वाद है, ये तो आना ही आना है। आज मेरे को शंकर भाई ने एक ही बात बोला, दीदी आप कोई टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, सब बाबा जी पे छोड़ दो, आपके, आपके धनी के और आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी माई का लाल उन तक आ नहीं सकता। आके देखें मुँह की खाएंगे, एक बार गलती हो गई एक बार हम लोगों ने थोड़ा सा ढील पड़ गए थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, आगे कभी नहीं, ऐसी बात है। तो मेरे बच्चों की रक्षा, मेरे पति की रक्षा मेरी बा कर रही है, तो हम तक तो मत आओ और हमारे लिए सिगरेट अगरबत्ती मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा, ऐसी बात है। दूसरी बात, आज शक्तियों का बहुत बड़ा वो किया है, शक्तियों को आज भी लेने में फ़ायदा, मैं फिर से एक बार बोलूँगी, जो वशीकरण का काम है वो 72 घंटे में एक्टिवेशन मिल रहा है, आज का दिन मिस मत करो, बहुत सारे जन लाइन में लगे हैं, आज का दिन बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक और बात, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो लोग मुझे गुरु मानते हैं, बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, सही बात है, लेकिन मैंने कभी घर तक बाबागिरी नहीं की है। आज मेरे शंकर भाई ने स्ट्रिक्टली कहा है, दीदी आपका जो भी काम धाम है, आपसे जो भी प्यार करता है, घर के बाहर, घर के अंदर का रिलेशन आइंदा कभी मत करना, हमारा घर, क्योंकि हम भी अब भी जाते हैं अपनी बा के पास, हमारी बा के पास भी एक रूल है, 3 महीने 6 महीने में एक बार हमको जाने मिलता है, उसमें भी हम जो साल भर कमाते हैं, जो 3 महीने में कमाते हैं, उसका सदका, मतलब कहते हैं ना, अपना देने जाते हैं, कि हम भी उसमें से कुछ अपनी इच्छा अनुसार निकालते हैं और देने जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। शंकर भाई कैसे बोलते हैं, आप, मैं आपको दीदी बोलता हूँ, लेकिन आप कितनी देर के लिए आती हो उधर, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। सेम आप भी, आपको पहली बात अपने घर तक अब किसको बुलाना नहीं है, और दूसरी बात घर का रिलेशन रखना नहीं है। हम लोग कोई ऑनलाइन बाबा, कोई बाबागिरी नहीं कर रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और बॉडी वाले शख्स के नाम से, बाबा जी के नाम से सबकी सेवा कर रहे हैं, तो बाबा जी सबका अच्छा करेंगे, लेकिन अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में किसी तीसरे को आने की इजाज़त नहीं देना है अभी आपको। तो आप लोग मुझसे जो भी प्यार करते, जो भी है घर के बाहर, आपको मिलना है, मैं आपसे मिलने बाहर आऊँगी, जो भी मुझे, जैसे कोई भी मुझे मानता है, जैसे सुनीता है, हाजिदा है, या जो भी है, जो भी मुझे मानता है, मैं उनसे मिलने आऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा है अपने तक मिलने किसी को नहीं बुलाने का, अपनी ज़िंदगी में, बच्चों के बीच में, धनी के बीच में किसी को नहीं लाने का, बाकी हम देखेंगे, क्योंकि गलती आप करते हो, सुधारना हमें पड़ता है, ऐसी बात है। तो भाई, जब भाई का, भाई की बातें सर आँखों पर है ना, और वो ऐसे हैं कि अगर मैं बात नहीं मानूंगी, वो खुद ही रास्ता खोल देते हैं। मैंने अक्सर देखा, जब जब मैंने बाकी बात नहीं मानी है, तो बा खुद ही सामने वाले को रास्ता करके हटा देती है, ऐसी बात है। तो भाई दिल से सॉरी, जिसको भी मुझसे जो काम है, ऑनलाइन मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बात कीजिए, सब सर आँखों पर, लेकिन मेरे घर तक आने की, मेरी ज़िंदगी में आने की किसी को इजाज़त नहीं है। बहुत सारे जन बोलते हैं, अरे माता जी हम आपके पास आके मिले क्या, आपके पास आके सीखे क्या, नहीं, विद्या देवी घर में बाबागिरी नहीं करती है, और विद्या देवी अपनी गुरु माँ की बात बहुत अच्छे से मानती है, और मैंने कभी अपनी गुरु माँ के लिए सिगरेट अगरबत्ती लगा के उनसे पास रहने की कोशिश नहीं की है। प्यार अपनी जगह, ज़िंदगी अपनी जगह, देखो सब अपने नसीब का खाता है। विद्या देवी का रोज़ नई साड़ी पहनती है ना, तो अपने नसीब का पहनती है, वो बाबा जी देते हैं, सब अपने नसीब का पाते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए अपना नसीब उसमें डालना अच्छी बात नहीं है। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, मेरे पे ध्यान देने से अच्छा पूजे पाठ पे ध्यान दो, काम में ध्यान दो, हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते, शक्तियों पे ध्यान दो, क्योंकि शक्तियाँ मेरे ज़रिए आपको मिलती है, तो जब मैं अपने ज़रिए आपको शक्तियाँ दे सकती हूँ ना, तो अपने ज़रिए शक्तियाँ ले भी सकती हूँ, इतनी ताकत तो मेरे अंदर है बस। और आज का दिन मिस मत करो, मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी राशियों पे बहुत दिन खराब चल रहे हैं, ये एक महीना, मैंने कल भी कहा था, ये एक महीना इन राशियों वालों के लिए बहुत ख़राब है, हो सकता है कि वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे, उनके पास उसके पास कुछ बचे ही ना, इसलिए बोल रही हूँ कि अपने आप को संभालो, भगवान का पूजा पाठ करो, आज
पूर्णिमा है आज, कहते हैं ना गणपति बप्पा का दिन है, हो सके तो गणपति बप्पा के मंदिर में जाके 21 मोदक का भोग लगाओ, गाय को चारा खिलाओ और शक्तियाँ लो और पूजा करो और अलर्ट रहो, शांत रहो, क्योंकि कुछ राशि वालों के लिए ये साल भी ख़राब है और ये महीना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया। तो बस हमारी मेरी बातें बुरी ली होगी तो दिल से सॉरी, और मेरे शंकर भाई की बातें शराख हो गई, क्योंकि मैं अपनी बाँ के आगे कभी नहीं जाती, मेरी बा अगर बोल दी तो पत्थर की लकीर है, तो वो है, तो बस वो अच्छा ही समझाती, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती, उन्होंने आज तक ना कभी किसी को गाली दी है ना कभी कुछ बात कही है, वो अपनी बात रखती है और वो सच्ची बात रखती है। तो अच्छी बात है, आप लोग बॉडी वाले शख्सों सिगरेट नहीं लगाओ, पूजा करो, सब करो, लेकिन मुझसे, मेरे केशव के पापा से, मेरे चारों बच्चों से दूर रह के उन तक आने की कोशिश करोगे तो सामने आपको बा मिलेंगी, ये बात पक्की है, देख लेना होगा, सपने में आके गिरा के मारेंगी वो, और वो मारती हैं मैंने देखा है वो मारती हैं, वो फिर सपने में पहुँचेंगी पुलिस के रूप में, डोगरी के रूप में, बुड्ढी के रूप में, आपको बहुत मारेंगे आके गिरा के। और कल जो नमक का काम हुआ है बहुत गंदा किया इस बार मैंने नमक का काम, उसका रिजल्ट तो मैं खुद देखना चाहती हूँ सामने वाले के साथ क्या होता है, बोल के क्यों दिखाऊँ, होने दो, क्योंकि उसका इलाज भी मेरे पास है। बस जय माता दी।